गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। जल्दबाजी में गुड मॉर्निंग बोल चुका हूँ, एक्चुअली गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। एक्चुअली हुआ क्या कि सारा दिन आज धुंध था, ठंड था और मेरे को कुछ काम थे जिसलिए मैंने वीडियो अपना स्टार्ट नहीं किया। मैंने सोचा अभी शाम के टाइम अपना वीडियो एडिट किया पढ़ाने वाला, और मैंने सोचा कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बात कैसे बनेगी, हमारा व्लॉग कल को फिर नहीं जाएगा। फिर हमने फटाफट से अपना ठंड को ना मानते हुए अपने व्लॉग को स्टार्ट कर लिया। और आप मेरे पीछे देख रहे हो तो मेरे को ना कभी कभी इस चीज़ को देख के ना ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। पूछिए क्यों? एक्चुअली क्या है कि ये लेह लद्दाख की ना ताज़ा हो जाती है। जिसने मेरी लेह लद्दाख की सीरीज़ नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाइए, जाके देखिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। एक्चुअली एक जूत का ना सपना होता है कि यहाँ तक पहुँचना लाइफ में एक बार, ये किसी किसी को मिलता है और कोई कोई ही पहुँचता है। हम वहाँ पर जाके आए, अच्छा लगा। अगर आपने विजिट नहीं किया तो आप इस चीज़ का लुत्फ मेरे प्लेलिस्ट से ले सकते हो कि कैसा है। मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है, सारी जगह पे गया हुआ और बहुत सी चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं की। वो जब कभी लाइफ में दोबारा टाइम मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे वहाँ पे। और दूसरा यह है कि यहाँ पे पता नहीं इन दिनों लोगों की लाइफ कैसे होगी। आप समर में तो चले जाते हो लेकिन विंटर में जाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सारी जगह पर ना बर्फ ही बर्फ हो जाती है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, घरों पे भी बर्फ़ वगैरह पड़ जाती है, लोग पता नहीं कैसे सर्वाइव करते होंगे। देखने वाली है यहाँ की लाइफ, लेकिन कभी विंटर में टाइम मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पहुँचना अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बाय रोड, लेकिन हाँ आप बाय एयर जा सकते हो क्योंकि बाय एयर तो रास्ते खुले, सीधा आपको वहाँ पर उतारेगा लेह में। एक बार कभी लाइफ में टाइम मिलेगा ना तो ज़रूर जाएंगे विंटर में आपको देखें। आज ना सुबह से खाना खाया, दोपहर का खाना नहीं खाया। और मम्मी जी क्या हाल चाल आज शाम के टाइम में क्या चल कर रहे हैं? क्योंकि होता पता क्या है, धुंध आजकल इतनी ज़्यादा होती है ना, मैं लेट उठता हूँ थोड़ा सा और लेट मेरा वीडियो एडिटिंग होता है, कुछ घर के कपड़े पहनाए हुए और अच्छा लग रहा है ये, है ना? ये सही आ गया। नो हाँ क्या दांत लगा रहे हैं? अच्छा अच्छा, इधर है तुम, छिप कर बैठा हुआ है, कहाँ है? ढूंढ रहा हूँ मैं, इसको मिल नहीं रहा, कहाँ है भाई? नहीं दिख रहा। बाथरूम बल वो डोर मैंने बंद किया हुआ है, लेकिन इस रूम में होगा मेरे। टफी क्या हाइड एंड सीक खेल रहा मेरे साथ? टफी क्या होगा शायद, यहाँ पे भी नहीं आए। ये कितने गया? ये बंद किया हुआ मैंने, वो भी बंद है, इधर तो नहीं चला गया, ये बंद हो गया होगा, यही हो सकता। ये छोकरा अंदर गया होगा, ये डोर अपने आप लग जाता है ना, कुंडी नहीं लगती, डोर लगता है, कुंडी तो बाहर से नहीं लगती अंदर से लगती है, इसकी लगानी पड़नी थी। अच्छे से टाइम पास हो जाता है और मम्मी बहुत अच्छे से केयर करते हैं। एक्चुअली जब मैं बाहर जाता हूँ तो मम्मी चेन डाल के इसको घुमाते हैं और अच्छा लगता है मेरे को, मम्मी की बहाने से वॉक हो जाती है और टाइम पास हो जाता है, मम्मी का भी मन लगा रहता है। गरीब बच्चा बन के बैठ गया ये, इसको पता है कि मेरे को अब डांट पड़ेगी। स्पेशली ये पेंगोंग लेक है ना, ये इस वक्त जमी होती है, ये ऐसी झील होती है पूरी बर्फ से ना जमी हुई मिलती है आपको, लोग चल भी लेते हैं ऊपर। ये मेरा रात का खाना, आलू मटर की सब्जी और गाजर भी बीच में और दाल, और ये हमारी फेवरेट चटनी। टफी भाग गया, गेट खुला देख के भाग गया, इतनी ठंड में यहाँ पे घूम रहा था। और गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई प्रीवियस व्लॉग। ये इतना शैतान हो गया कि पूछो मत, और धुंध इतनी ज़्यादा है पूछो मत। और हमने इसको ना अंदर रखा होगा कि अंदर बैठेगा, लेकिन क्या है कि गेट हल्का सा खुला देख के भाग गया कहीं पर। मम्मी भी ढूंढ रहे हो, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मम्मी उधर चला गया। मम्मी इस साइड हो, समझ ही नहीं आ रहा किस साइड है। आप मेरे गांव की गलियां घूम लो, इधर भी है इधर भी है, अब पता नहीं किस तरफ चला गया, किस तरफ नहीं, इतना शैतान हो गया ना, ऊपर से धुंध, हालात देख लो, बट इसको चैन नहीं। ये कहाँ घूम रहा है? नो 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 नो, चलो अंदर, ठंड नहीं लग रही? कितने घूम दे वैसे है, इधर उधर घूम रहे, गेट खुला, चलो गेट बंद करके रखना पड़ेगा। आजा आजा टफी, कम कहाँ घूम रहा है? चल 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 बाहर नहीं घूमना, सर्दियाँ हो या गर्मी हो ऊपर ना आए तो क्या है, ऊपर आके आपको सही में मिलेगा मौसम देखने के लिए कैसा है। धूप है तो धूप मिलती है, बारिश है तो बारिश मिलती है, बादल है तो बादल मिलते हैं, धुंध है तो धुंध मिलेगी आपको। मेरे पीछे आप देख रहे होगे कितनी ज़्यादा धुंध है, और सामने भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बट पक्षी सामने कैसे बैठे हो प्यार से दोनों इकट्ठे हो के, है ना, ठंड को अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। ये ऐसे ही है ना, साथ चाहिए है ना, अकेला बंदा तो कुछ नहीं है, बट चाहे अकेला बंदा हो या पक्षी हो, चाहे हमारा टफी हो, टफी तो हमारे साथ घूम लेता है ना।
अच्छा लगता है। ये भी छत पे आ गया मेरे साथ, मैं इसको नीचे बैठा रहा है, इसका बिस्तरा रखा हुआ कि बैठ जा आराम से, पहले से इसको ढूंढ के लेके आए, इधर उधर घूम रहा है। लेकिन ये कहाँ मानने वाला, इसको चाहे ठंड में ले जाओ गर्मी में ले जाओ, सही वफादार तो ये होता है, ये अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि इसको सर्दी गर्मी बरसात और किसी भी सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं होता। अमीर है गरीब है, ये हर वक्त हर इंसान का साथ अच्छे से देता है, ये होते हैं रियल वफादार। जानवर है लेकिन समझदार है इंसान से बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमरूद लगे होते थे तो बहुत से मंकीस आते थे, एक तो टहनियाँ तोड़ दी उन्होंने और दूसरे अमरूद खा खा के बुरा हाल कर दिया, इतने अमरूद खा लिए उन्होंने, नीचे गदर मचा रखा है। और हमें खाने के लिए एक नहीं मिला, और एक दिन मैंने एक अमरूद तोड़ा था, टफी को दिया था, टफी को टीथिंग करने के लिए। फिलहाल खाना खाते हैं, 5:30 हो चुके हैं, ठंड बहुत ज़्यादा, और मैं किसी ज़रूरी काम से थोड़ा सा बाहर गया होता, आते हुए ना मम्मी के स्वेटर थे ना जो मैंने चेंज करवा दिया, और टफी आते ही वेलकम कर रहा है मेरा, मम्मी ने यहाँ पे बांधा हुआ है तेरे को, इसको ना यहाँ पे बांधा हुआ है, क्योंकि ना ये खराबी करता है, ये गायब हो जाता है, भाग जाता है, तो इसको थोड़ी बाहर की सैर करवानी है, तो फिलहाल यहाँ पे रखा हुआ है इसको वेलकम करने के लिए। बस बस बेटा ले रहा है स्लाइडिंग जूटे, रैंप पे खड़ा हो जाता है। नो 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 नो, मुझे पता है तेरे को क्या चाहिए, तेरे को ये चाहिए। अब खुश हो गया, अब शेक हैंड कर लो, शेक हैंड कर लो। अब नहीं जान रहा है ये मेरे को, तुम्हें मतलब ही है हुँ? नहीं मम्मी क्या कर रहे हो, कड़ी बना दी, क्या बात है, बाहर से खुशबू आ गई, ये तो प्लेन वाली कड़ी है, प्लेन बनाई, टफी किससे बनवाया, अभी बन गया, सच में बन गया आपसे, बांधा क्यों पहले ये बताओ, बांधा क्यों, क्यों बांधा उसे, घुमाने के लिए, अच्छा कि गेट पे है ना, बाहर का नहीं तो भाग जाता उसको, भाग गया तो बड़ी मुश्किल से देख गया उसे। वो देखो अपने आप लेके जा रहा, आपके स्वेटर चेंज करवा दिए, ये मेरे पसंद का है क्योंकि मेरे को ये कलर अच्छा लगा, देखो आप पसंद है आपको ये वाला है कलर आपका, जो ले आता। अच्छा है, ये दोनों साइड से पहन सकते हो, मेरे को ये वाला कलर अच्छा लगा, है भी नहीं ना, ना स्वेटर होंगे इस कलर के, है ना, सही है ना, ये खोल ला इसे, और ना पता क्या है, थोड़ा सा एल साइज है, एम साइज बोल रहे थे ना, कह रहे कि अगर आपको स्वेटर एम साइज आ रहा है ना तो ये एल साइज आएगा, क्योंकि आप नीचे स्वेटर वगैरह भी पहनोगे ना, और पहन के बताओ अभी कैसा आ रहा है, ये नहीं खोल ला, जिप खोलो ना, जिप तो खोल जानी, खोलो भाई, आपके हाथ क्यों इतने वो लगाया करो मॉइस्चराइजर, आप इस साइड से भी पहन सकते हो, ये भी है डार्क कलर, आपको ब्लैक का भी हो जाएगा कॉम्बिनेशन ना, वही पहनना है ना, वो वाला पहनो, कैसा लगा आपको, बढ़िया, शॉल तो उतार लो, मम्मी सीधे ही ना पहले माथा टेकने के लिए अंदर चले गए, कहाँ घूमने जाना है, आप इसे मतलब कि ऐसे ठंडे इलाके में भी पहन सकते, दिखा ना साइज तो आ गया परफेक्ट, क्या दिखाओ, जिप नहीं लग रही, जिप नहीं लग रही, जिप कौन लगाता है, स्वेटर नहीं डालोगे आप, लग जाएगी राइट, भाई बार बार यही काम, तो ठीक तो है, ऐसे ही आएगी, अंदर स्वेटर तो नहीं पड़ेगा, स्वेटर क्यों नहीं पहनेगा, फिर आप ओपन करोगे ना इसे, निकालो, ठीक तो है, फिर आपके आर्म भी तो लूज हो जाएंगे ना उसमें, ठीक है, ये स्वेटर डाल के ऊपर से ओपन कर दिया ना ये, जैसे मैं डालता हूँ, ये देखिए मेरे को देख के सीखो ना कुछ, मैं ऐसे स्वेटर डाल के, मेरे को भी ये टाइट होगा ना, पहननी नहीं ना कभी, आप स्वेटर के साथ पहनोगे ना इसे, ये वाला पजामा लेके आया अपने लिए, मेरे को ना मोटे पजामे पहनने पसंद नहीं है, लेकिन अंदर से ये है थोड़ा गर्म ही है, इसको आप ना मतलब कि वो पहन सकते हो, कहीं आप घूमने जाना हो वहाँ पे भी, है ना, और सही है ये वाला कि आप जिम वगैरह भी अगर जाते हो तो ये वाला पहन सकते हो, मैं भी सेम ब्रांड का लेके आया आपके वाले ओकटेव का, इसमें एक पॉकेट भी दी हुई है, आप मोबाइल वगैरह रख सकते हो, एक पॉकेट बैक साइड पर है, ये तो ऐसे ही है, और एक पॉकेट इस साइड भी है। हाँ जी भैया, ओ मैं जैकेट नहीं लाई कि ऐसी एस साइज मम्मी दी, हाँ जी इधर भी चीक साइज बड़ा है का, ये सेम कलर च, इस साइज से बहुत बड़ा, हाँ टाइट है थोड़ी,
सेक्सी होती है ना जैकेट्स, कोई भी पहन सकता है इसको। मम्मी कह रहे कि दोनों पहन सकते हैं। शेकेंड कर लो ये वाला। गुड बॉय। गरीब बन के यहाँ पे बैठ जाते हैं, क्या करने आया है? मम्मी को देखते हैं ना, इसको भी यही वाला रूम पसंद है। शाम की गर्मा गर्म चाय। टाइम हो चुका है 7:43 और हम सारा काम काज करके फ्री हो चुके हैं, स्पेशली मम्मी, क्योंकि गांव में क्या होता है कि थोड़ा ना जल्दी 8-9 बजे तक आराम से अपने रूम में बैठ के सो जाते हैं, कुछ भगदड़ नहीं होती ज़िंदगी में। और मैं बैठ के फिलहाल अपना वीडियो एडिट कर रहा था ब्लैंकेट लेके, और मम्मी भी कब से मेरा वेट कर रहे हैं कि उनको पता है कि ननू कुछ काम कर रहे हैं। ननू निक नहीं, मेरा ननू है। और मम्मी यहाँ पे बैठ के मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं। खाना खाए फिर मेरा वेट कर रहे थे। और खाने में आज स्पेशली बनाया है मम्मी ने कड़ी, और मैंने एक फरमाइश की थी कि चपाती नहीं खाना, क्योंकि गरम गरम कड़ी के साथ जो चावल का नज़ारा आता है ना, वो कहीं और नहीं आता। चपाती खाने को मेरा मन नहीं था, फिर मम्मी ने बोला कि मेरे को तो चपाती खानी है, तुम्हारे लिए मैं स्पेशली थोड़े से चावल बना देती हूँ, लेकिन तुम ना खाओ तो ज़्यादा बढ़िया, कि रात के टाइम चावल नहीं खाते। मैं कह मम्मी ऐसा कुछ नहीं, मेरा मन है कड़ी रात के टाइम में आपने बनाई है, तो चावल भी मैं रात के टाइम ही खाऊंगा। तो फिलहाल मेरे लिए स्पेशली कड़ी और चावल का मिक्सचर बना है, तो हम वो खाएंगे मज़े से। खाना बहुत कम होता है, मैं एक ही टाइम खाना खाता हूँ सुबह, वो भी 10:30 बजे के बीच में, और सारा दोपहर ऐसे निकल जाता है। कभी होता तो मन खा लेता हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही निकल जाता है, टाइम ही नहीं लगता है ना। जो घर में फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने का मजा आता है, वो और कहाँ आता है, होटल रेस्टोरेंट कहीं पर भी नहीं आता। बहुत दिनों बाद आए ना आप हमें इकट्ठा खाना खाते हुए देख रहे होंगे, नहीं तो पहले मम्मी बनाते होते थे, मैं खाता होता था। फिलहाल मेरे लिए चावल बने, चावल खा के बताते हैं कड़ी और चावल का कॉम्बिनेशन कैसा है। सुपर। अपना खा लिया, बैठ के आराम से वीडियो को पब्लिश करते हैं और आराम से सोते हैं। मिलते हैं मैं आपको अगले वीडियो में। होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।